मैंने आधार कार्ड दिया अपना। चेकआउट हो चुका है अपने हॉस्टल से। सुबह 11:15 बजे हैं, 12:30 बजे की बस है। केप टाउन से जा रहा हूँ जोहान्सबर्ग, एक नया सफ़र। अपनी जो टिकट है बस की वो मैं बस स्टेशन से ही लूँगा, और मैंने ऑनलाइन प्राइस चेक किया इसका, केप टाउन से जोहान्सबर्ग का बस में मुझे पड़ रहा है, बहुत सस्ती टिकट मिल रही है, 350 रैंड की। तो यहाँ मैंने किसी से ही बात की, उनको यकीन नहीं हो रहा 350 रैंड में इतनी सस्ती टिकट कैसे केप टाउन और जोहान्सबर्ग है। नॉर्मली जो प्राइस है वो 600 रैंड के आसपास है। टिकट मैं उधर जाके लूँगा, लेकिन दिक्कत मेरे पास अब ये हो गई है कि मेरे पास रैंड ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ मेरे पास मैंने 10,000 रैंड, नहीं मैंने कितने निकलवाए थे, मैंने 2,000 रैंड निकलवाए थे जोहान्सबर्ग से, उसमें से सिर्फ मेरे पास बचे हैं अभी 200 रैंड करके। मेरे पास हालांकि डॉलर पड़े हैं, मैं चाहूँ डॉलर एक्सचेंज करवा सकता हूँ। मेरे पास कार्ड भी पड़ा है, मैं कार्ड से भी पेमेंट अपनी कर सकता हूँ। तो अपने आसपास देख के चलना पड़ रहा है यार, कोई यहाँ ना, मतलब आपको एकदम चुकन्ने रहने की ज़रूरत है, कुछ नहीं पता अपने लेफ्ट राइट से कहाँ से कोई आ जाए बंदा उसको छीनने की कोशिश करे। तो जी ये बस स्टेशन है केप टाउन का, मुझे यहाँ अंदर तक जाना है अपना प्लेटफॉर्म तक। मैंने यहाँ पीछे पता किया और वहाँ से ईगल लाइनर, एक बस कंपनी है ईगल लाइनर, उसकी बस पकड़नी है। अलग अलग कंपनीज चलती हैं केप टाउन से जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग से केप टाउन। जब मैं आया था तब इंटर केप था, इस बार मैं ईगल लाइनर से जा रहा हूँ क्योंकि उसकी टिकट बहुत सस्ती मिल रही है। ये लिखा हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस बसेस। तो ये प्लेटफॉर्म है यहाँ, अलग अलग बने हैं, मुझे ढूंढना है काउंटर। वेयर इज ईगल लाइनर? सो ईगल लाइनर टिकट्स, टिकट ये सारे बोर्डिंग गेट्स हैं। यहाँ तब आओगे जब आप टिकट ले चुके होगे, तो पहले तो टिकट लेनी है मेरे को। ये देखो, ये इधर भी टिकट, ये बोर्डिंग गेट्स हैं। जहाँ मैंने पूछा था वो इंटर केप का था। तो पहले बाहर मुझे जाकर जिस कंपनी से मैं जा रहा हूँ ईगल लाइनर, मुझे उनसे टिकट लेनी है। और यहाँ ये बने हुए हैं सेंटर सारे, ये ट्रांसलेक्स का है, ये इंटर केप का है, ये एल्डो कोचेस हैं, ये ईगल लाइनर है। हेलो, आई नीड टू टेक वन टिकट टू जोहान्सबर्ग। मैंने आधार कार्ड दिया अपना। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। थैंक यू। लो जी टिकट मैंने ले ली है, 350 की पड़ी बस मेरे को। तो कितना पड़े ये, 1780 रुपये, 1780 रुपये कटे है। वो इसलिए एक्चुअली मैंने पहले अपना क्रेडिट कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड मेरा चला नहीं, डिक्लाइन हो गया। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ किसी देश में मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चला हो। तो मैंने फिर अपना डेबिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड चल गया। और अकाउंट में जब देखा मैंने तो 1780 रुपये कटे थे। हालांकि जो करेंसी चार्जेस हैं, कन्वर्जन चार्जेस हैं, वो बनते 1700 रुपये, 350 रैंड के। तो ठीक है, आई थिंक 1700 के से 1780 कटे हैं। ये सामान रख दिया गाड़ी में,
अपना जो जोबर्ग वाला जितना भी सामान जाता है ना उसको पीछे अलग एक डिक्की में रखते हैं ताकि बार बार वो कंपार्टमेंट बॉक्स ना खोलना पड़े। और ये वाली बस है जिसमें बता दिया गया था कोई टॉयलेट नहीं है, लेकिन रास्ते में बस रुकती हुई जाती है दो दो घंटे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सीट नंबर नहीं मिलता, बस जहाँ मर्जी जाके बैठ जाओ। आपके बैग पे ना एक टैग लगा दिया जाता है और उस टैग की एक कॉपी आपको दी जाती है, इसको दिखा के मेरे को जोहान्सबर्ग में सामान मिलेगा। इज देयर एनी सीट नंबर? ओके ओके। तो जी दूसरी रो पे बैठ गया हूँ, शुरुआत में ही है सीट ये, और सीट्स अच्छी हैं, रिक्लाइन हो जाती हैं पीछे को एकदम, और नीचे यहाँ चार्जर स्पॉट भी है लगा हुआ। टेम्परेचर बताना चाहता हूँ एकदम बढ़ गया है। एक्चुअली जब मैं केप टाउन से चला था तो बहुत ठंड थी यार, और अभी मतलब जैकेट भी उतर गई है और अकेली टी शर्ट डाली हुई है। साउथ अफ्रीका का टेम्परेचर ऐसा ही है, कहते हैं अगर 11 बजे बहुत जैसे 12-13 डिग्री टेम्परेचर है तो कुछ नहीं पता, 1 बजे तक आपका 30-32 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, इतना फ्लक्चुएट करता है यहाँ का टेम्परेचर। बस मैं पहुँच गया हूँ जोहान्सबर्ग, 2-2.5 घंटे लेट पहुँचाया बस ने, और अभी हुए 9:30। टिकट सस्ती थी तो पता लग गया कहीं ना कहीं कवर अप करना पड़ेगा। रास्ते में बस इतना रुक रुक के आई है ना यार, तो सबसे पहले तो एंट्री पार्क स्टेशन, या दिस इज पार्क स्टेशन, नो ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन आउटरेज, या या ओके, यू गोना गो स्ट्रेट ना, गेट नंबर 9, कम सर गेट नंबर 9, आफ्टर यू गेट गेट नंबर 9 गो अप टू द स्टेज टू मीट अस। ओके ओके ओके। तो क्या हुआ कि बस रास्ते में बड़ा रुकी है, मतलब इसने ना इन्होंने इस बस को वो बनाया हुआ था माल ढोने वाली गाड़ी, रास्ते में जगह जगह लोगों के पैकेट्स दे रही थी ये वो सब कुछ, उसी में टाइम लग गया। 7 बजे पहुंचने का टाइम था सुबह और 9 बजे पहुंची है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपना, मेरे को निकलना है एक होस्ट के घर पे, वहाँ जाने के लिए यहाँ से पहले मैं मेट्रो पकड़ूँगा इसी बस स्टेशन पर, जोहान्सबर्ग बस स्टेशन पर मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन आई थिंक, हाँ ये बना हुआ है ना गौत्रेन, गौत्रेन इसको गौत्रेन बोलते हैं, गौत्रेन गौत्रेन बनी थी जो 2010 यहाँ फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना साउथ अफ्रीका में, उसके लिए खास करके ये स्पेशली ट्रेन बनाई गई थी तब के टाइम में, और बड़ी महंगी ट्रेन है, इसका मेरे को देना पड़ेगा सिर्फ 30 रैंड अगले स्टेशन तक पहुँचने के लिए। मतलब यहाँ है पार्क स्टेशन और अगला स्टेशन है रोज बैंक। वे इज अ ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, गौत्रेन ट्रेन, हाउ टू गेट, या या ओके थैंक यू। यहाँ ट्रेन ट्रून स्टेशन ही पता लगता लोगों को, लोग गौत्रेन गौत्रेन बोलो। अच्छा ट्रेन में सफ़र करने के लिए ना कार्ड चाहिए होता है, तो कार्ड तो आपका जब आप एयरपोर्ट से पहली बार आओगे जोहान्सबर्ग में तो कार्ड आपका बन ही जाएगा। ये मेरा कार्ड है ये वाला जो बना था, 5 साल के लिए वैलिड है, और इसकी इसके कार्ड की कीमत है 20 रैंड, कोई रिफंडेबल नहीं है। 30 रैंड लगे हैं मेरे अगले स्टेशन तक जाने के लिए, मतलब 150 रुपया दिल्ली वाली मेट्रो में लगते हैं 10-12-15 रुपये बस। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो हमारा इंडिया आज भी कितना सस्ता है और हमारी मेट्रो कितनी सस्ती है। यहाँ एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक आने के लिए 1,000 रुपया दिया था मैंने मेट्रो में, हमारे दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में 50-55 रुपये लगते हैं बस। तो यही है बस, 2 मिनट में अगला स्टेशन आ जाएगा।